मैं 5 मिनट बोलकर जो वीडी कल्ला साहब के साथ वार्ता हुई है वो ही सिर्फ बताऊंगा। कार्यक्रम कैसे चलेगा, कहाँ तक जाएगा, उसके लिए समस्त जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम 27 और प्रदेश अध्यक्ष और भीष्म पितामह में संघर्ष के पुराने साथी सब लोग निर्णय लेंगे। कार्यक्रम तो ये जब तक चलेगा जब तक संविदा से आजादी नहीं मिल जाती। लेकिन साथियों, इस तरह की वार्ताओं से हम कभी खुश पहले भी बहुत हुआ करते थे, लेकिन इस बार तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए संविदा से आजादी, संविदा से हर गेलो साहब से, हर वीडी कल्ला से, हर टोटासरा से, हर पायलट साहब से, हर राहुल जी से, हर प्रियंका जी से, हर सोनिया जी से, हर कांग्रेस से, हर भाजपा से, हर आरएलपी से, हर बसपा से, हर खंड फ्रंट से, सबसे आजादी चाहिए। साथियों, बीडी कल्ला साहब से जो वार्ता हुई उसमें किसी भी तरह की सर गुड मॉर्निंग सर सर मैं धरना स्थल पे ही हूँ, मैं पहुँच रहा हूँ शाम तक। आरओ साहब आए तो आप थोड़ी सी व्यवस्था देखना प्लीज़, मैं 6:30-7 बजे तक देखो आप पहुँच रहा हूँ क्योंकि अभी बीडी कल्ला साहब से वार्ता ही हुई है और अभी मैं निकल रहा हूँ जयपुर से, 2.5-3 घंटे में जयपुर गाँव पहुँच जाऊँगा। आ रहा हूँ बिल्कुल चुनाव करवाएंगे कल मिलके। सरकार के षड्यंत्रकारियों के लगातार फोन आ रहे हैं, चुनाव करवाएंगे, चलो करवाएंगे। साथियों, बीडी कल्ला साहब ने पूरा समय दिया, एक एक बिंदु पर वार्ता सुनी। सबसे पहले तो मैं हमारे 94 साथियों को बधाई दे देता हूँ कि हमारे तुरंत जाने के बाद नहीं, हमारे सामने बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उनके निजी सचिव को बुला के ACS गोयल साहब और मुकेश गायतवाल जी को बुलवा लिया गया है। उसके लिए हमारे साथ में नगर पालिका प्रभावित साथियों के प्रतिनिधि के तौर पर जावेद अली गए थे। जावेद कहीं है क्या? जावेद आप उनसे नगर पालिका वाले जावेद भाई से पूछ सकते हैं। ये तो नगर पालिकाओं का मामला हुआ, बोला ये मेरे विभाग का मामला है और इसमें इतना समय लग रहा है, इनको नजदीकी पंचायत में एडजस्ट करवा देते हैं, आदेश निकाल कर ACS को बुलवाइए। अब वो आदेश आ जाएंगे, आपका धरना यही है, कब आते हैं उसके लिए उनके द्वार खुले हुए हैं। कोई भी कार्यकारिणी का आदमी 27 साल संयोजकों का अध्यक्ष की ACS से मिल सकता है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया ACS को बुलवाइए। ये मामला इतना पेंडिंग क्यों है? मैंने अभी विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, शिक्षा विभाग का मामला इतना पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ये तो नगर पालिका प्रभावित साथियों के लिए, अगर नगर पालिका वालों को मैं नहीं कह रहा तुम संतुष्ट हो, संतुष्ट हो मैं ही नहीं किसी वार्ता से, लेकिन ये उन्होंने बताया वो बता दिया। अब सुनिए 27,000 की कहानी। उन्होंने कहा सेवा नियम बन रहे हैं, इस तरीके से हमने पूरा खाका बना दिया। आपने कल चिकित्सा मंत्री जी का बयान सुना होगा, प्रसादी लाल जी का, मैंने सुना साहब, तो आपका पूरा खाका तैयार हो गया है। हमारे बिना बोले ही वो बोले कि आपको सबसे बड़ा फायदा तो हम पेंशन का दे रहे हैं। हमारे दिमाग में नहीं था पेंशन क्या होती है, मैंने साहब पेंशन तो किसी को नहीं मिलती है। अरे बोला भाई जो हिसाब मिलता लास्ट में उसमें 50% आपकी तनख्वाह में से कटेगा, 50% राज्य सरकार उसमें मिलाएगी, तो आपको भी हिसाब मिलेगा। ये चीज हमें आज तक पता नहीं थी, किसी भी संविदा कर हमें तो पता नहीं थी भाई, आज पता चला है आगे से बोले वो। तो मैं साहब ये पेंशन की व्यवस्था, जैसे आपका PF 2000 कटा प्रति मंथ, तो 2000 रुपये उसमें राज्य सरकार आपकी सेवा काल की समाप्ति पर मिलाकर टोटल हिसाब देगी। दूसरी, सेवा नियमों में आपके परिवार और आपको मेडिकल की फैसिलिटी दी जाएगी, जो कि राज कर्मचारियों को RGHS के तहत दी जाती है। अब हमें कौन सी योजना में देते हैं, वो चिरंजीवी में देते हैं या RGHS में देते हैं, वो इनका बिंदु है। पर उन्होंने कहा आपके परिवार के स्वास्थ्य लाभ पर कोई खर्चा नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने कहा एक्सटेंशन ऑर्डर वो का मामला समाप्त, आपकी सेवा काल नियमित 60 वर्ष रहेंगी, ऐसा नियमों में बनाया गया। अब उनके सवाल पूरे हो गए, फिर हमने पूछा सर मिनिमम तनख्वाह तो बता दो। उन्होंने कहा ये मेरे लिप्स से मैं नहीं कह सकता,
उसका कारण है कैबिनेट में जब प्रस्ताव हुआ था सभी मंत्रीगण थे, सीएम साहब भी थे, ये किसी मीडिया गण को पता नहीं चले, किसी को पता नहीं चले। इतना जरूर है मैंने आपका मानदेय बहुत अच्छा होगा, मतलब तनख्वाह अच्छी होगी, तनख्वाह की बात चल रही है, कोई इस शब्द को मानदेय मत पकड़ना कहीं, क्योंकि बोलने में फर्क हो जाता है। उन्होंने कुछ भी है वही उन्होंने जो बताया वो बता रहा हूँ कि आपका गुजारा भत्ता अच्छा होगा। मैंने बोला साहब उसको एक डेडलाइन तो बता दो इसने इतने के इतने बीच में, तो बोला यार ये नहीं। तो मैं ये सरकार की जितनी आर्थिक स्थिति होगी हर साल इंक्रीमेंट्स आपको भी मिलेंगे, ये भी उन्होंने कहा। छुट्टियों की बात चली तो छुट्टियों की बातों में उन्होंने स्पष्ट कह दिया जिस तरीके से राज कर्मचारियों को छुट्टियां पीएफ प्रसूति अवकाश महिला को जो मिलते हैं वो सब नियमों में हमने बनाए हैं, ये छुट्टियों का बिंदु हो गया। सिर्फ बिंदु एक ही रहता, वो बिंदु आप चाहे कुछ भी कहो मैं मेरे मुंह से नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तक किसी मंत्री ने नहीं कहा मुंह से, यही बात पर पेच फंस गया, पेच तो फंस ही गया, जो चीज थी मूल तो मिली नहीं, ये थोड़ी 6600 में हर साल 10% बढ़ाते जाएंगे, तो पेच फंस गया। तो अब निर्णय तो कार्यक्रम तो चलेगा। हाँ एक चीज मूल बात और भूल रहा हूँ कि साहब ये कब तक पिटारा सामने आ जाएगा कि डेढ़, जब कैबिनेट में प्रस्ताव हो गया अनुमोदन हो गया है तो 1.5 से 2 महीने मुझे नहीं लगता इतना समय लगेगा, लेकिन अपन 2 महीने खींच के मान के चल सकते हैं कि 2 महीने के बाद में संविदा कर्मचारियों के पूरे पिटारे सबके सामने होंगे। 2 महीने का उन्होंने समय लिया कि 2 महीने लग सकते हैं, इसको नाम भी 2021 इसीलिए दिया है कि 2022 का नहीं है, ये संविदा सेवा नियम 2021 ही नाम दिया है, तो इसलिए सेवा नियमों के जो पिटारे हैं वो 1.5 से 2 महीने में सबके सामने आ जाएंगे। हमने कहा साहब 1.5-2 महीने और बैठ लेते हैं, मतलब सर्दी में क्यों पागल हो रहे हो, 54-50 दिन हो गए। मैंने साहब कोई बात नहीं, आप आपका काम करते रहिए और हम हमारा काम कर रहे हैं। तो साथियों ये तो थी पिटारे की बातें, और अब आगे के जो निर्णय हैं, संगठन कभी पीछे नहीं है ना पीछे रहेगा क्योंकि हमें तो आज़ादी चाहिए। और अब मेरा थोड़ा सा समय का बहुत अभाव है, लगातार 15 तारीख को ड्यूटी करवाई चुनाव की, कल मेरी इलेक्शन में ड्यूटी है, गांव यहां से 150 किलोमीटर दूर है, बूथ पे ड्यूटी है, एरिया जोनल सब घूम रहे हैं, तो आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपके बीच परसों फिर वापस मौजूद हूँ। आप अगर चुनाव ड्यूटी में मुझे भेजना चाहें तो मैं जा सकता हूँ, परसों आपके बीच फिर मिलूंगा इसी शहीद स्मारक पर, और शहीदों की भूमि पर झूठ नहीं बोली जाती, ये भी मैं आपको बताऊँ। तो साथियों मैं मेरी चुनाव ड्यूटी के लिए निकलूं, और बाकी कार्यक्रम के लिए यहाँ सभी सम्मानजन आप सब हैं। ओनली संगठन राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ही संघर्ष कर रहा है, उसी के नारे लगने चाहिए, ना कोई प्रवीण पटेल कर रहे हैं, क्योंकि 27,000 तमाम साथी प्रदेश अध्यक्ष और संयोजक हैं। ये थी आज के कल्ला साहब की मीटिंग, और ऐसी मीटिंग तो अभी पता नहीं कितनी चलेगी, पीछे लग गया सरकार।